वी कैन स्टिल कस्टमाइज इट, दैट्स अ प्लस पॉइंट. वैसा लुक नहीं आएगा. आई जस्ट बॉट 250 रुपीज का लेस गाइस. हर जगह से कपड़ा खरीद रही हूँ मैं, बन तो कुछ नहीं रहा ऐसा लग रहा है. लेंथ 28 थी. जो मैं सिलेक्ट कर गई थी डिजाइन वो कुछ और बन के आया. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. So, आज का वीडियो इज माई वेरी फर्स्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो. सो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड की वेडिंग है. दिस वेडिंग इज गोना हैपन इन दिल्ली और मेरे पास बहुत ही कम समय है टू मेक दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. सो दो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो आएंगे. एक आउटफिट मैं बनाऊंगी टेलर के पास जाके और एक बनाऊंगी एक डिजाइनर के पास जाके आउटफिट. और आज का आउटफिट इज अ हल्दी आउटफिट जो कि मैं टेलर से सिलवाऊंगी. तो मैं पिंटरेस्ट पे गई, मुझे बहुत सारे इंस्पिरेशन मिले एंड आई वॉन्टेड टू पीसेस. ऐसा कुछ कुर्ता और प्लाजो टाइप का कुछ चाहिए था मुझे, बट एक डिजाइनर सा आउटफिट में ढूंढ रही थी. आई सॉ दिस पिक्चर ऑफ कियारा अडवाणी, शी इज वेयरिंग मनीष मल्होत्रा का आउटफिट एंड द कॉस्ट ऑफ दिस आउटफिट इज 1,69,000. दैट्स द एक्चुअल कॉस्ट. सो द टॉप इज अ शॉर्ट पेपलम कुर्ता विच हैज आइवरी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑल ओवर इट. इट कम्स विद अ नियॉन ग्रीन फ्लेयर जॉर्जेट शरारा एंड दुपट्टा जो कि हम लोग नहीं बनवाएंगे. मुझे ये आउटफिट देखते से पसंद आ गया था. सो ये नियॉन ग्रीन में है बट क्योंकि हल्दी आउटफिट सिलवा रहे तो हम लोग इसे यू नो येलो टोन में कुछ बनवाएंगे. सो जो संगीत आउटफिट है ना वो तो मैंने बहुत टाइम पहले से ही बनवाना शुरू कर दिया है जो कि अभी वीडियो आएगा उसका. बट ये हल्दी आउटफिट लिटरली आई हैव नो टाइम टू लाइक गेट इट स्टिच गाइस. सो हम लोग एकदम टाइम फ्रेम हमारा बहुत ही छोटा है, उसी के अंदर हमें कपड़ा ढूंढना है जो कि मेरा थोड़ा सा कंसर्न है. क्योंकि जो आप पेपलम टॉप देख रहे हो ना कियारा ने पहना है, उसमें फ्लोरल वर्क है और वही खूबसूरती आउटफिट का, दैट इज रियली ब्रिंगिंग द एंटायर आउटफिट टुगेदर. अब बजट की बात कर लेते हैं क्योंकि ये आउटफिट जो ओरिजिनल डिजाइन आउटफिट है ये 1,69,000 का है, वो मेरा बजट नहीं है. मेरा बजट कुछ ऐसा है कि 10,000 के अंदर हो जाए. इट कैन बी एनीथिंग गाइस, 4,000, 5,000, ज्यादा से ज्यादा 8,000. एनीवे देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो. आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो. सो मैंने इस आउटफिट को क्रिएट करने के लिए ना ये वाला साड़ी मंगवाया था अमेजोन से, बट वो अभी आ नहीं पाया एंड आई एम ट्रैवलिंग टुमारो. और अगर मैं आके दूंगी सिलवाने के लिए तो लेट हो सकता है. आई रियली डोंट नो अबाउट दिस. आई डोंट इवन नो कि साड़ी कैसा है, क्वालिटी कैसा है, कपड़ा कैसा है. सो दैट्स अनदर थिंग. व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गो टू द मार्केट, गो टू फैब्रिक शॉप्स एंड लुक फॉर सिमिलर काइंड ऑफ अ फैब्रिक. गाइस दिस इज अनदर फैब्रिक शॉप, ये द समर मार्केट में. आई एम गोइंग इनसाइड नाउ. एक वो वाला भी बताओ ना भैया, वो वाला चल तो जाएगा बट वैसा लुक नहीं आएगा. गाइस जैसा फैब्रिक मुझे चाहिए वैसा तो मिल नहीं पा रहा है. बट भैया सजेस्टेड इज दैट कि जो मुझे पसंद आ रहा है ना फैब्रिक वो मैं सिलेक्ट कर लूँ, वर्क सिलेक्ट कर लूँ तो फैब्रिक के ऊपर, येलो फैब्रिक के ऊपर वो व्हाइट धागे से कर देंगे वर्क, तो जैसा हमें चाहिए वैसा मिल जाएगा. बट द थिंग इज जैसा मुझे फ्लोरल वाला चाहिए ना वैसा मिल नहीं रहा है. तो जो मुझे सिमिलर दिख रहा है ना वैसा कुछ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. वी कैन स्टिल कस्टमाइज इट, दैट्स अ प्लस पॉइंट एंड दे कैन गिव मी विद इन लाइक 3 days, दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट. सो बस्ट एरिया के लिए आई एम थिंकिंग कि ये वाला अच्छा लगेगा. इस पे गोल्डन है, हम सिल्वर करा लेंगे. एंड जो बॉटम वाला पार्ट है दैट इज द स्कर्ट पार्ट, आई कैन पिक दिस. बट इसमें ना बहुत सारा हो रखा है तो थोड़ा मे बी 3 लेके 2 छोड़ के 3 लेके ऐसा कर सकते हैं. ओके okay, अब मुझे कलर डिसाइड करना है. दिस इज मस्टर्ड येलो, दिस इज लाइट येलो. ये अच्छा लग रहा है. दिस इज अ बिट डल. I'm gonna go with this color. Okay, मैंने डाई करने के लिए दे दिया है. कस्टमाइज हो रहा है ये, बट जैसा प्रिंट हमें चाहिए ना वो फ्लोरल प्रिंट वो नहीं हो पाएगा इसमें. एंड दिस इज माई कंसर्न क्योंकि फिर वो सिमिलर नहीं लगेगा, वैसा आउटफिट नहीं दिखेगा वो. मैं एक कपड़ा देख के आई थी न्यू मार्केट में. आई एम गोना इंसर्ट द क्लिप राइट हियर, आप लोग देख सकते हो. ये वाला जो कपड़ा है ना दिस इज गोना मैच सो परफेक्टली विद द आउटफिट दैट वी आर प्लानिंग, स्पेशली द अपर पार्ट, द बस्ट हियर एरिया वाला पार्ट. सो वट आई एम थिंकिंग, बहुत हॉच पॉच इधर उधर हो रहा है ये वाला वीडियो, लाइक हर जगह से कपड़ा खरीद रही हूँ मैं, बन तो कुछ नहीं रहा है ऐसा लग रहा है. बट एनीवे व्हाट आई एम थिंकिंग कि गेट दिस कपड़ा, ओके गेट दिस कपड़ा इन हैंड एंड इसी कपड़े का जो कलर है ना उसी कलर से सारे फैब्रिक में डाई करा लू सो दैट आई कैन लाइक मिक्स एंड मैच यू नो. सो दिस इज द प्लान करेंटली. सो मैं तो अब वो कपड़ा खरीद नहीं सकती बिकॉज आई एम लिविंग फॉर नर्सिंगपुर टुमारो. सो माई सिस्टर इज गोना बाय द कपड़ा एंड देन वो अब डाई का कलर चेंज कराएंगे. सो बेसिकली जो हम लोगों ने कलर डिसाइड किया था ना, अब कलर चेंज हो रहा है एंड वी विल हैव लाइक मल्टीपल कपड़ास टू गेट द आउटफिट स्टिच. बहुत खर्चे कर लिए मैंने. Several days later. Guys, we found a perfect match. This is a dupatta, जो की है जॉर्ज का दुपट्टा जिसके ऊपर ये रेशम का वर्क है. बहुत ही सुंदर खूबसूरत दुपट्टा है.
ये हमें पॉपुलर करके एक फैब्रिक स्टोर है वहां से लिया है। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने फैब्रिक खरीदा है ना वो सब मैं इसी कलर का करवा लेती हूँ, इसी कलर का, सो दैट वी कैन मिक्स एंड मैच एंड सी कि कौन सा टॉप में रखना है, कौन सा स्लीव्स में, कौन सा बॉटम वाले एरिया में रखना है। Two days later. मेरे कपड़े डाई हो चुके हैं और डाई वाले का फोन आया था, उसने मुझे बोला जो मैं सिलेक्ट करके गई थी डिजाइन वो कुछ और बन के आया, तो आप जल्दी आके देख के जाओ मुझे। तो अब मुझे टेंशन हो रही है कि ये क्या हो रहा है। अब क्या रीच्ड, ऐसा बना है ये, हमने ऐसा ऐसा सिलेक्ट किया था। ओके, शॉपकीपर ने मुझसे माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे बोला कि वो दो दिन में जैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए वैसा बना के दे देंगे, बट मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था, मुझे टेलर को स्टिचिंग के लिए भी देना था फैब्रिक, तो मैंने उन्हें बोला इट्स ओके, जो भी फैब्रिक था मैं उठा के मैं घर ले आई। एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू माई सिस्टर, दी कुछ अच्छा सजेस्ट कर रही है, ऐसे ले लो, ये ऐसे फॉल आ जाएगा। हाँ, एक यहाँ इसमें आ जाएगा और यहाँ पे हम दो में ले लें, बिकॉज वी डोंट हैव डेज नाउ गाइज, उसने बिगाड़ दिया, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। एक्सक्यूज द डर्टी मिरर, नो टाइम एट ऑल। सो दिस इज गोना बी द टॉप नाउ एंड दिस इज द बॉटम, जहाँ पे हम लोग ये वाला बॉर्डर यूज करेंगे, ये वाला बॉर्डर नीचे वाले एरिया में। नाउ लेट्स गो टू द टेलर और हम नाप दे के आते हैं। मीट अरविंद सर। सर हेलो। सर हमें समझा रहे कि वो पेपलम जो नीचे वाला है ना वो अम्ब्रेला कट है, तो अब क्या बोल रहे थे सर बताओ? मैं ये बता रहा था कि जो अम्ब्रेला कट है ना वो अपन अम्ब्रेला में इसको कट करेंगे, इस वाले भाग को ये रखेंगे। अच्छा, ये जो है ना ऐसा तिरछा। अच्छा, ऐसे कटेगा वो? ओहो, तो ये अम्ब्रेला बनेगा, तो ये ऐसा सीधा सीधा आएगा, पर हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये तिरछा तिरछा आएगा। यदि अपन को ये वाला पोर्शन सिर्फ ऐसा चाहिए, ये ऐसे में, हाँ हाँ वैसा चाहिए हमको, हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा अम्ब्रेला में, उसके लिए अम्ब्रेला में नहीं होगा, फिर उसके लिए अपन को रिंकल्स डालना, नहीं वो पता अच्छा नहीं लगता मेरे बॉडी पे। या फिर अपना एक सेमेट्री इसी की तरह सारा होता तो फिर अपन जाल, हाँ, होता तो वो मिला ही नहीं ना, वो हमें कपड़ा नहीं मिला ना, ये भी मैंने वो करवाया इसको, या फिर इसकी जो लाइनिंग है ना वो सभी में एक जैसी होती तो फिर पता ही नहीं पड़ता। हाँ, पर मुझे पूरा भरा भरा नहीं चाहिए थी नीचे। नहीं तो अपन एक काम करते हैं, इसको कहो ये अटैचमेंट कर, भरा होगा ना, मुझे भरा भरा नहीं चाहिए, ये जो लाइनिंग रहेगी ना तो ये भी सुंदर लगेगी। अच्छा, अगर आपको भरा भरा का है तो वो तो मैं अभी उसको बोलूंगी वो धागा पूरे में मार दे अभी ले जाके और कल लाके दे दूंगी। नहीं मार पाएगा, ये तो करवाया मैंने सर। अरे ये करवाया है, जब अपन मशीन पे लगाते हैं ना तो ये कंप्यूटराइज होता है, ये एक ही बार में क्लियर हुआ है, फिर दूसरी बार में सेम नहीं आएगा। अच्छा, गैप में सेट नहीं बैठेगा क्योंकि ये गैप है ना, ये गैप में सेम नहीं बैठेगा, किसी के ऊपर आएगा, किसी के कहीं दूर से जाएगा, तो क्या वो अच्छा लगेगा? अच्छा, इससे अच्छा तो फिर वो खर्च करने से अच्छा तो अपना काम हो ही रहा है ना। देखो जबरन की वो चीज भी नहीं है, ये चीज को एडजस्ट कर देंगे, ये इससे क्या होगा कि जब ये अम्ब्रेला रहेगा, जब ऐसे से रहेगा ना तो ये भरा दिखेगा तो सुंदर भी लगेगा, ऐसे में कुछ ज्यादा ये पट्टे टाइप के वो बेकार आ तो फिर भी नहीं आएगा, यदि आप चाहो तो ऐसा नहीं आएगा, हमारे पास ये ऐसा तिरछा ही आएगा, ऐसे तिरछा दिखेगा वो। हाँ, पर जब भरा रहेगा तो वो समझ नहीं आएगा और वो सुंदर भी लगेगा, ये बॉर्डर इसके नीचे। अच्छा ठीक है, ये जो छोटा छोटा लेस दिख रहा है ना अगर वो ऐड करवाएं तो थोड़ा और डिजाइनर बनाने के, ठीक है। और ये स्लीव्स में सर मुझे बताओ ये लेस है कि वो क्या है? वो देखो ये लेस है, ये फ्रिल है, ये जो दो कपड़ों को मिलाकर और जो ऐसे फ्रिल बनाई जाती है ना, ये ऐसे, ये, हाँ, ये वो है, ठीक है। और इसके ऊपर जो लगी है ये लेस है, तो मैं अब एक काम करती हूँ, ये वाला लेस और ये एक लेस, ठीक है, और गले का, हाँ, वो देख के आती हूँ नीचे, ठीक है। अभी हम नाप ले लेते हैं इसका। मैं टेलर से मिलाई, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्लान इन द डिजाइन, बट आई थिंक वो बनने के बाद सिमिलर ही लगेगा, आप लोग समझ गए ना क्या चेंज आ रहा है उसमें। बेसिकली जो मैं चाह रही थी वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द कट ऑफ द फैब्रिक, दैट इज अम्ब्रेला कट जो पेपलम है उसका। अब मैं जा रही हूँ लेस खरीदने, 250 रुपए का। ये रेशम वाले में नहीं है कुछ? 2 मिनट ये लगा सकते थे नीचे, नीचे के लिए देख रही है कि गले के लिए देख रही है? ये गले के लिए, ये उसके लिए पैंट्स के लिए सही है ये, तो ये ले लेते हैं पैंट के लिए और नीचे के लिए और गले के लिए और हाथ के लिए
लेस खरीदने के बाद मैं वापस से टेलर के पास आ चुकी हूँ टू गिव हिम माय मेजरमेंट्स एंड आल्सो द लेस दैट आई बॉट एंड एक्सप्लेन हिम कि कौन सा लेस कहाँ पे लगना है। जो आउटफिट है दिस इज गोना बी पैडेड आउटफिट, इसका डीप बैक रहेगा और साइड चेन रहेगा। जब पूरा आउटफिट बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज है ट्रायल डे, मैंने आउटफिट बनने को दिया था 11 तारीख और आज है 14 तारीख। सो 11, 12, 13, 14, 4 दिन में मुझे मेरा आउटफिट मिल रहा है। सुपर एक्साइटेड फॉर इट। ये वाला जो आउटफिट है ना, इसने कम टाइम लिया एज कम्पेयर टू माय संगीत आउटफिट। सो लेट्स गो ट्राई द हल्दी आउटफिट। गाइस दिस इज द आउटफिट। सर आपने इसको वो वाला नहीं किया, बड़े बड़े प्लेट्स वाला? इसमें बड़े प्लेट्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है। गाइस दिस इज द आउटफिट। ओके एवरीथिंग इज फाइन बट यहाँ से थोड़ा सा टाइट है मुझे। लेट्स सी एंड द बैक इज आल्सो वेरी प्रिटी। दैट्स द बैक। यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा लूज करवा रहे हैं एंड आल्सो ये सीट वाला एरिया हल्का सा ये क्योंकि पहनने पे ना वो खिंच रहा है ऊपर हल्का सा लूज। जैसे कि ये है ना सर, इसको ऐसे वी कर मतलब ऐसे कर दीजिए क्योंकि वो ऐसे हो रहा है। ऐसे कर देंगे ना, टांका लगा देंगे। हाँ, अच्छा टांका लगा दीजिएगा। This is the entire outfit and let me break down the cost for you. So fabric की cost से शुरू करते हैं। ये जो peplum कुर्ता है ये दो different fabric से बना है। जो bustier part है it's a dupatta का fabric और dupatta मुझे पूरा खरीदना पड़ा। That was 3.5 meter का dupatta, उसका cost है 2500 rupees and let me tell you पूरा का पूरा dupatta use नहीं हुआ, काफी कुछ fabric उसका बच किया है and I can make use of that fabric for sure। मैं एक sleeveless blouse बनवा सकती हूँ। मुझे definitely लगता है यहाँ पे cost cutting और हो सकती थी हमारी अगर ये जो कपड़ा है ये किसी थान का पार्ट होता तो मेरे पास कंट्रोल होता कि मुझे कितना मटेरियल खरीदना है तो वहां पे काफी कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाती हमारी। टॉकिंग अबाउट पार्ट टू ऑफ दिस पेपलम कुर्ता, जो कि फ्लेयर पार्ट है इस पेपलम कुर्ता का जो कि अम्ब्रेला कट बना है, वो हम लोग ने खुद से डिजाइन करवा के फैब्रिक बनवाया। वो हमको पड़ गया 4.5 मीटर का फैब्रिक जो कि पूरा का पूरा यूज हो गया फैब्रिक एंड उसका कॉस्ट है 2600 रुपीस। यहाँ पे मेरी बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मैंने पहले टेलर के पास जाके डिजाइन का आइडिया नहीं लिया और अपने हिसाब से फैब्रिक डिज़ाइन करवाने के लिए दे दिया फैब्रिक स्टोर में। अगर मैं पहले टेलर के पास जाती और फिर डिज़ाइन करवाने के लिए फैब्रिक देती तो काफ़ी कुछ कॉस्ट मेरा बच जाता, क्योंकि ये जो फ्लेयर ऐड हुआ है पेपलम का ये पूरा 4.5 मीटर यूज़ तो हुआ है कपड़ा ये, पर 4.5 मीटर नहीं है। आप लोग को पता है क्यों नहीं है, क्योंकि छोड़ छोड़ के मैंने डिज़ाइन करवाया था और पूरे फैब्रिक में ये सेम डिज़ाइन करवा सकती थी, तो आधा बेसिकली फैब्रिक मेरा वेस्ट हो गया और आधा फैब्रिक मेरा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आधा कॉस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कोई ये वीडियो को देखेगा तो मैं चाहती हूँ कि उसको समझ में आए कि यू नो विदाउट मिस्टेक ये आउटफिट बनवाने जाते तो कितने का पड़ता, जहां जहां पे एकदम ही सिली सिली सी मिस्टेक जो मैंने की है। तो 1300 में कॉस्ट ऐड कर रही हूँ गाइस। ओके आप लोग समझ गए ना क्यों ऐड कर रही हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द शरारा, दैट वाज 8.5 मीटर का फैब्रिक। इट वाज अ प्लेन फैब्रिक, सॉलिड कपड़ा था वो। उसका कॉस्ट है 1050 रुपीज एंड जो लेस हमने खरीदा वो 250 रुपीज का लेस है। वो लेस पूरा का पूरा यूज हो गया। लास्ट में स्टिचिंग कॉस्ट जो मुझे मेरे टेलर ने बोला दैट इज 3000 रुपीज। उन्होंने मुझे पेपलम कुर्ता साथ साथ शरारा बना के दिया 4 दिन में। सो टोटल अमाउंट ऑफ दिस शरारा सेट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच आउटफिट इज 8070 रुपीस एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं और बजट कर सकती थी। एवरी फैक्टर जो मैंने आपको बताया, स्टिचिंग फैब्रिक एवरीथिंग इज अ वेरिएबल टर्म गाइस। जितना मुझे पड़ा यहाँ भोपाल में जल्दी जल्दी में विद इन अ वीक मैंने ये आउटफिट बनाया, वो दूसरे सिटी में चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपका आधा अमाउंट में काम हो जाए, हो सकता है आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ जाए। सो इट्स अ वेरिएबल फैक्टर, प्लीज कीप दैट इन माइंड। नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई हैड अ ब्लास्ट। मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला एंड मुझे एक ऐसा आउटफिट पहनने को मिला जो कि मैं पहनना चाह रही थी, कस्टम फिट एंड इट इज वेरी वेल स्टिच्ड। वो मैं अपने टेलर को डेफिनेटली 10/10 देना चाहूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये आउटफिट, एकदम डिजाइनर लग रहा है। फैब्रिक भी बहुत रिच है और फैब्रिक को लेके मेरा कंसर्न था कि फैब्रिक रिच होगा कि नहीं। स्लीव्स आर सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, सो यूनिक दिस स्लीव्स आर। ऐसे स्लीव्स
70s में 80s में पहना करते थे. रिमेंबर पुराने, अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे स्लीव्स पहना करते थे. 19-20 डेफिनेटली हुआ है डिजाइन करते हुए इस आउटफिट को. जैसे स्टिचिंग की बात करूँ, ऑल्दो बहुत अच्छे से स्टिच हुआ है, मेरे बॉडी को अच्छा लग रहा है ये आउटफिट, बट आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द कप्स. द कप्स कुड हैव बीन बेटर. आई एम नॉट हैप्पी कि इसको अच्छे से फिनिशिंग नहीं मिल पाई आउटफिट को, क्योंकि इंटरलॉक करना चाहिए था, यहाँ पे इंटरलॉक नहीं हुआ है, अंदर भी इंटरलॉक नहीं हुआ है. सो अंदर अंदर से ये आउटफिट डेफिनेटली टेलर मेड लग रहा है, वैसे डिजाइनर फील नहीं आ रहा है, बट बाहर बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मैं तो आई कांट जस्ट स्टॉप ट्वर्लिंग अराउंड इन दिस आउटफिट बिकॉज इतना फ्लेयर है इसमें. ऑन दैट नोट, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. यू गाइज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये आउटफिट कैसा लगा. आई एम सो हैप्पी विद दिस आउटफिट. 10/10 टू दिस एंटायर लुक. ऐसा नहीं बन पाया जैसा हम लोग को चाहिए था, बट ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर टू वॉट कियारा वॉज वेयरिंग और वही चाहिए था मुझे. वी आर गोइंग विद द सिमिलर पैटर्न, सो इंस्पायर्ड आउटफिट. सब कुछ इंक्लूड करना चाह रही थी, कुछ भी डिटेल मिस नहीं करना चाह रही थी. अगर कुछ मिस्टेक किया है वो भी इंक्लूड करना चाहती थी. उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट करना है ये अब आपको पता चल गया है. बिकॉज दिस वीडियो इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बट दिस वीडियो इज गोना बी इंस्पिरेशन फॉर यू गाइज टू मेक समथिंग सिमिलर आउटफिट. सो अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो, देन यू नो व्हाट टू डू. प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम गोना सी यू गाइज वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.